सो so, अभी हम लोग देखेंगे कि बेसिक रिसोर्सेस कैसे यूज करते हैं रिसोर्स को पढ़ते हैं कैसे हैं ठीक है ना अगर कोई रिसोर्स ऐड करना है तो उनका ऐड भी कैसे करता है ठीक है ना तो आप लोग उसके लिए क्या करना है मैंने एक फाइल खोल रखी है तो आप यहाँ पर रिसोर्सेस टैब में जाना ठीक है तो आपके पास बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं ठीक है ना दैट इज रिसोर्स शीट असाइन रिसोर्सेज रिसोर्स ऑनलाइन अभी फिलहाल फिलहाल हम लोग रिसोर्स शीट देखना चाहते हैं तो मैं रिसोर्स शीट पर क्लिक करूंगा तो जैसे मैं रिसोर्स शीट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक विंडो आ जाएगी इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है ये बहुत सारे रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज के नाम दे रखे हैं देखो रिसोर्सेज क्या होता है वो संसाधन होंगे जिनकी वजह से प्रोजेक्ट चलेगा आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो आपको संसाधन चाहिए संसाधन कुछ भी हो सकते हैं मटेरियल हो सकता है इक्विपमेंट हो सकता है लेबर हो सकती है ठीक है और कोई भी मतलब इंजीनियर हो सकता है आपका मटेरियल uh, हो सकता है कोई आपका ये भी हो सकता है जैसे कोई कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है जैसे कि कोई चीज मंगानी रेती मंगानी तो रेती मंगाओ तो आप मंगा ट्रैक्टर में तो ट्रैक्टर वाला क्या करेगा ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट कॉस्ट लेगा ना? बात है है ना बात तो दैट ट्रांसपोर्टेशन इज देयर ठीक है तो आपके पास लॉजिंग वाला जैसा आप कह सकते हो वो कॉस्ट रहेगा आपके पास लोग रहेंगे आर्किटेक्ट रहेगा साइट इंजीनियर रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर तो खुद दियो ठीक है तो ऐसा सब सारी चीजें उसमें कंप्लीट रहती है ठीक है तो वो रिसोर्सेज अपन को रखने जरूरी है इस प्रोजेक्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट होना रहा था तो इसको अच्छे से समझना अच्छे से सुनना ठीक है तो रिसोर्सेज में गए और रिसोर्स में आगे हमने रिसोर्स सीट पे क्लिक किया तो हमारे पास एक रिसोर्स की संसाधन की शीट आ गई इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने खोल रखा है उसमें डॉलर्स में रेट पड़ी हुई है मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखा है कि कैसे आप इस डॉलर को आई एन आर इंडियन में चेंज कर सकते हो या कोई भी करेंसी में आप लोग इसको चेंज कर सकते हो शायद मेरा फर्स्ट लेक्चर उसमें मैंने बताया था ठीक है ना फर्स्ट लेक्चर वाला था या बेसिक ऑप्शन वाला जो लेक्चर है उसमें जाके देखना विल गेट टू नो की कैसे उसको चेंज कर दे ना यहाँ पे जैसे देखो पहले कॉलम जो आ रहा है वो है हमारे पास रिसोर्स नेम का दैट इज ऑफिस मैनेजर आई टी मैनेजर टेलीकॉमेड मेनर सारे के सारे सारे है। उसके आगे हमारे पास टाइप है कि टाइप क्या करेंगे उनके जैसे हमारे हम यहाँ हम आई मैनेजर की बात करें तो उसका टाइप दे रखा वर्क यहाँ पे तीन तरीके के टाइप हमको ऑफर करता है क्या नाम है एमएस प्रोजेक्ट जब आप क्लिक करोगे वर्क मेटेरियल कॉस्ट तीन तरीके के हमको ये रिसोर्सेज हम लोग असाइन कर सकते हैं

तो फ्री क्या करता है वो पर आवर चार्ज करता है ठीक है कि भाई मैं आपकी साइट पर कराता हूँ एज ए फ्री तो मैं पर आवर इतना रुपया चार्ज करूंगा दो से तीन सौ जो भी है मतलब साइट बहुत बार इंजीनियर्सर भी होते हैं तो वैसा भी हो सकता है ठीक है तो इन दैट केस आपको उस टाइम में टाइप पे वर्क लेना पड़ेगा ठीक है और आपको उसके हिसाब से उसकी, उसकी स्टैंडर्ड रेट देनी पड़ेगी ठीक है ना उसके पर आवर क्या है पर डे क्या इनिशियल्स यहाँ पे इनिशियल्स क्या करते हैं इनिशियल्स आपको थोड़ी सी हेल्प करते हैं बार चार्ट के अंदर दिखने में डिस्प्ले करने में जब भी आप यहाँ पे कोई रिसोर्स ले तो बार चार्ट के अंदर वो नाम दिखेगा आपको

Available time उसको बढ़ा सकते हो तो जैसे हंड्रेड थी है थीके? या जैसे आप यहाँ पे देख लेते हैं वाले लोग है कोई को कराने लेट से मुझे पांच मूवर्स चाहिए तो मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पे फाइव हंड्रेड परसेंट कर दूंगा है, है ना ऐसे तो दैट मीन दैट मूवर्स फाइव हंड्रेड परसेंट मतलब पांच जनों को मैं क्या करूँगा मतलब मूवर्स जो मेरे पास रिसोर्स है

ठीक है और खुद खुद ही उसको एक इनिशियल दे देता है दैट इज नेटवर्क एडमिन का ध्यान रखना जो वर्क रिसोर्सेज होते हैं उनमें मेटेरियल में कुछ नहीं आता है। वो पर आवर काम करते हैं ठीक है थेके? दूसरे तरीके के रिसोर्सेज होते हैं दैट इज रिसोर्सेज रिसोर्सेज क्या होते हैं जैसे कि बॉक्स हो गया बबल रैप हो गया पेपर हो गया ठीक है कोई भी मतलब मेटेरियल से रिलेटेड चीजें हो गई है ना वो क्या होती है वो मेटेरियल पे चलती है पर पीस पर रोल पर रिम जैसे पेपर पर रिम पे चलेगी बबल रैप पर रोल पे चलेगी बॉक्स जो है पर पीस पे चलेगा ठीक है ना तो ऐसा और उनका जो प्राइस होता है ना उनका टोटल स्टैंडर्ड रेट होता है उनका कोई पर घंटे का नहीं होता है जैसे आप अगर पेन रहे हो तो पेन कोई पर घंटे चार्ज तो लेगा नहीं है ना तो वो पूरा का पूरा पेन आता दस रुपये का या जो भी रुपए का होगा ठीक है ना तो यहाँ पे जैसे उनकी सिंपल सीधी सीधे रेट होती है और उनका कोई मैक्सिमम टाइम भी नहीं होता है। आप पेन लाए तो अभी से पेन तो यूज करोगे जब तक रिफिल खत्म नहीं होगी ठीक है ना तो उसका कोई हंड्रेड परसेंट ऐसा कुछ नहीं होता दे आर जस्ट इज प्राइस इट अवे ठीक है और कॉस्ट क्या होती है देखो ये तीन तरीके के रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था वर्क था मेटेरियल मैंने बता दिया कॉस्ट 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 क्या होता है देखो उन चीजों के लिए होता है जिनके लिए ना तो पर आवर चार्ज हो रहा होता है और जिनके लिए ना ही मेटेरियल से रिलेटेड कुछ होता है जैसे लॉजिंग करना या एयरफेयर मतलब हवा से आप अगर कुछ इधर उधर चीजें मंगा रहे हो तो वो हो गया कोई परमिट है उसकी कॉस्ट ठीक है ना तो ये वो कॉस्ट होती है जो कि स्पेसिफिकली फिक्स होती है कि भाई आपको सामान पहुंचाना है तो आपको इतना पैसा लगेगा ठीक है उसका कोई पर आवर चार्ज नहीं है या पर मेटेरियल कोई चार्ज नहीं है ठीक तो तो है, है ना तो ऐसी ना तो खुद ब खुद ही पड़ती है उस वक्त ठीक है ना बैक टू आवर दैट इज मैंने एक नेटवर्क एडमिन यहाँ पे रिसोर्स डाला है उसको मैंने खुद ब खुद वर्क एडमिन में वर्क टाइप में डाल दिया वर्क टाइप मतलब उसका चार्ज लगेगा कुछ पर आवर और आगे खुद ब खुद MS Project ने एक इनिशियल एक इनिशियल एन से कुछ पता नहीं पड़ने वाला कहीं ना कहीं हो जाएगी, कोई दूसरा भी एनजेस आ गया तो अब इसको शॉर्टवर्क कर सकते हो कुछ जैसे लाइट से नेटवर्क एनटीएम कर देता हूँ ठीक है नेटवर्क मैनेजर एनटीएम तो मैं ठीक है आगे एक कॉलम हो रहा था ग्रुप वाला कॉलम ग्रुप वाले कॉलम में क्या होता है ना यू कैन इजीली ग्रुप रिसोर्सेज आप अलग अलग संसाधनों को एक ग्रुप में डाल सकते हो और इससे आपको ये पता लग सकता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप पे कितना पैसा खर्च कर रहे हो है ना जैसे लेट से नेटवर्क एडमिन भी आई के अंदर आएगा तो मैं आई टी लिखता हूँ जैसे आई लिखूंगा टी जाएगा तो मैं आई टी लिख देता हूँ के ग्रुप में चला गया अब मैं देखा चाहता हूँ कि आई टी पे हमारा कितना ज्यादा डिपेंडेंसी है या आई टी पे हम लोग कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं है ना तो यू कैन आप इसको क्या कर सकते हो शॉर्ट कर सकते हो यहाँ क्लिक करोगे एंड यू कैन गो और आप यहाँ पे इन सारे ब्लैंक्स को हटा दो और आप सिर्फ आई को रखो आप इसको ओके okay कर दो ठीक है तो सिर्फ आई टी शॉर्ट हो जाएगा ठीक है ना तो यू कैन ईजिली लुक कि भाई मैं आई पे कितना जैसे नब्बे डॉलर पर आवर नब्बे डॉलर पर आवर कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ या उन पर मेरी डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है अगर इसको हटाना तो आप यहाँ यह, यह, क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पे फिर से क्लिक कर दो और कर दो आपकी सारी चीजें फिर से आ जाएंगी तो आईदर वे यू कैन वर्क आउट ठीक है ना सो नेटवर्क एडमिन के बारे में मैंने ये लिख दिया अगर आप नेटवर्क एडमिन पे डबल बार क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी ठीक है ना पूरी शेयर हो रही है वैसे ठीक है उसको बोलते हैं रिसोर्स इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे और चीजें चेक कर सकते हो ठीक है ना और चीजों में जैसे चेंज वर्किंग टाइम उनका वर्किंग टाइम चेंज कर सकते हो ठीक है ना तो मैंने बताया आपको वर्किंग टाइम अपन कैसे चेंज करते हैं और नहीं तो आप देखो या नेटवर्क एडमी में लास्ट ही लास्ट में लिख रखा है बेस बेस मतलब कौन सा बेस कैलेंडर है तो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड सेलेक्ट है उसके अलावा दूसरे और है ठीक है दैट इज ऑफिस रेलो टाइम जो भी इसके अंदर है वो सब तो सबलेट से मैं कोई एक ऐड कर लेता हूँ और मैं नेटवर्क एडमिन पर डबल बार क्लिक करता हूँ तो आप अभी अगर आप चेंज वर्किंग टाइम में आओगे तो आप देखोगे उसका बेस कैलेंडर वो सेट है अगर आपको इसका वक्त चेंज करना है तो आप वर्क वीक में जाओ डिफॉल्ट में ही रखो डिटेल में देखो और मंडे को जाओ मंडे को देखो इस बंदे का काम है आठ से दस बजे का ठीक है तो ये बाई डिफॉल्ट सेट है आप इसको चेंज कर सकते हो नेटवर्क एडमिन कोई जरूरी नहीं आठ से दस बजे आ रहा हो आपके केस में हो सकता है आठ से बारह बजे तक आ रहा हो ठीक है तो आप मंडे से लेके आप जो भी फ्राइडे तब तक भी जब तक भी आ रहा है उसको सेलेक्ट कर दो शिफ्ट दबा के

कैसे आप मैटेरियल टास्क डाल सकते हो ठीक है और किस तरीके से हैंडी वे इन अभी तो करना है, नहीं। अलग कैलेंडर रख सकते हो कि वो बंदा अगर कभी छुट्टी पे तो आप छुट्टी पे भी रख सकते हो उसको ठीक है ना तो उस हिसाब से ये चलेगा ठीक है ना तो अलग अलग तरीके हैं करने के तो अगर स्पेसिफिकली जैसे आपको छुट्टी देनी है इस बंदे को किसी एक दिन पे जैसे नेटवर्क एडमिन पे मैंने क्लिक किया मैं प्रोजेक्ट में गया चेंज वर्किंग टाइम पे गया तो आप यहाँ देख सकते हो फोर कैलेंडर नेटवर्क एडमिन ये पर्टिकुलरली नेटवर्क एडमिन के लिए काम कर रहा है तो मैं एक्सेप्शन में इसकी वैकेशन लगा सकता हूं एक जैसे लट से वेकेशन लिख दिया मैंने और स्टार्ट डेट में जाके जैसे मैंने बारह अगस्त कुछ भी है जैसे अभी मेरा प्रोजेक्ट पीछे चल रहा है थोड़ा पर आप उसको छुट्टी दे सकते हो जैसे बारह अगस्त से लेके आपको इसको अगर और कुछ पंद्रह अगस्त तक तो छुट्टी देनी है तो आपको छुट्टी दे दो तो आप देखो बारह से पंद्रह तक तो वो अवेलेबल नहीं रहेगा ठीक है ना आप उसको ओके कर सकते हो तो आप इस तरीके से और इसमें कंस्टेंट डाल सकते हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमको प्लानिंग करके दे सकता है ठीक है बट आपको ध्यान होना चाहिए कि वो चीज कब से कम होने वाली है ठीक है और आप जिस बंदे को काम में ले रहे हो वो कब कब अवेलेबल रहेगा ठीक है ना तो इस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हो ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट रिसोर्सेज डिफाइनिंग ऑफ वर्क रिसोर्स है ना?